हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस गियर को ऑफ रोड में नाइट में ड्राइव करेंगे। यानी रास्ता एकदम ख़राब है और इस रास्ते में हम इसको ड्राइव करेंगे और देखेंगे इसकी हेडलाइट, साथ में हेडलाइट टेस्ट भी करेंगे कि इसकी डीआरएल, अभी हमने डीआरएल ऑन किया है और आप देख सकते हैं डीआरएल में क्या भी इतना सारा ब्राइट है, यानी कि हम आसानी से किसी कैसी भी ख़राब कंडीशन में इसको हम चला सकते हैं। रास्ता एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। अभी हमने इसको सिर्फ डीआरएल को ही ऑन रखा है और डीआरएल में ही आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसकी ब्राइटनेस है। ख़राब से ख़राब रास्ता भी सही से दिखाई दे रहा है और ये रास्ता काफ़ी ख़राब है, कहीं ईंट ऊँच नीच बहुत सारा ख़राब है। करीब यहाँ पे आधे किलोमीटर से ज़्यादा ख़राब रोड है और किसी दूसरे बाइक से हम इस पर ड्राइव करते हैं तो इतने चलाने के बाद हाथ पैर दर्द करने लगता है। इस बाइक से उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना दूसरे बाइक से पड़ता है। यानी कि रास्ता ख़राब है। अब हमने इसके लो बीम को ऑन किया है तो लो बीम में काफ़ी अच्छे इसकी लाइट है, काफ़ी अच्छा क्लियर रास्ता दिख रहा है। अब थोड़ा रास्ता अच्छा आया। ये हाई बीम था, हाई बीम से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ऊपर चला जा रहा है। लो बीम से पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। और हमारे यहाँ 80% रोड ऐसे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब। अगर 100 किलोमीटर चलना पड़ जाए एक दिन में तो शरीर की ऐसी तैसी हो जाती है। इसके हेडलाइट में तो नो डाउट बहुत अच्छा इसकी विजिबिलिटी है, एकदम साफ सुथरा रोड दिखाई दे रहा है। इसके डीआरएल से भी आप काफ़ी अच्छा से ड्राइव कर सकते हैं। इसके लाइट काफ़ी ज़बरदस्त हमको दिखाई दे रहा है और रोड इतना ख़राब है कि आप अगर इस रोड पे आओ तो इस रोड को भूल ही जाओ कभी चलाना। अब यहाँ से कुछ अच्छी रोड उससे मिलेगी चलाने के लिए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ख़राब रोड यहाँ पे हमको सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ से कुछ अच्छा रोड दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ से हम थोड़ा इसको घुमाएंगे। अब यहाँ पे हमने डीआरएल को सिर्फ ऑन रखा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे डीआरएल में ही हम स्पीड को भी अचीव कर पा रहे हैं और रात में भी दिखाई दे रहा है बढ़िया से। तो हम इसको लाइट को ऑन करते हैं और देखते हैं क्या है। तो इसको हेडलाइट ऑन करने पर भी एकदम साफ़ सुथरा रोड दिखाई दे रहा है, नो डाउट। लेकिन रोड कंडीशन ख़राब होने की वजह से मैं ज़्यादा स्पीड नहीं चला रहा हूँ, एकदम 30-40 की स्पीड में ही है।